कृष्णा आइसक्रीम खाए? आइसक्रीम? मैंने तो सुना था कि इस हालत में कुछ खट्टा खाने का मन करता। मुझे मीठा चाहिए। Really? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी तुम्हारे इतना स्वीट। ओके। चलो वहाँ जाके बैठते हैं। कैसे चाट रहे हो आइसक्रीम को? तुमने मेरी आइसक्रीम खा ली? जब खुद ही खानी थी तो दिल आई क्यों? हाँ मैं अपनी नहीं खा पाया, तुम्हारी कैसे खाऊंगा? चलो चल के दूसरी आइसक्रीम लेते हैं। चलो। विपाल कैसे हो? बहुत टेंशन में हूँ, अपने गुस्से को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आइसक्रीम की चोरी का इल्जाम लगा है मुझ पर। विपाल ये समय वही जो अभी दिया था। ओके सर। सो क्या खाओगे? तुम हमें खाली कौन दे रहे हो एडजस्ट करके? हैं सर, भरा था मैंने। भरा था तो खाली क्यों है? ठीक है सर, मैं आप ही के सामने भरता हूँ। भरो, मेरे सामने भरो। दो चॉको ब्लॉक प्लीज। सर आपने देखा, आपके सामने मैंने भरा। हाँ मैंने देखा, भरा तो था लेकिन है तो खाली। मम्मी मेरी आइसक्रीम अभी तो लेकर दी थी। एक और कौन भरना? Yes, Kaya. काल, मुंबई का रंग बहुत जल्द बदल जाएगा। दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। Panic is spreading across Mumbai city because of the sudden outbreak of an unidentified. मुंबई पर किसी अज्ञात बीमारी का भयानक हमला हुआ। The first cause came in from Chhatrapati Shivaji. वायरस ने देखते देखते मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। Similar horrifying reports have started coming in from other parts of the city as well. Eyewitnesses report that people are जैसे आप देख रहे हैं हर तरफ डर और घबराहट का माहौल है। ऐसी या इससे बदतर सिचुएशन हर अस्पताल की। बेहद तेजी से फैलने वाले इस वायरस की वजह से अनगिनत लोगों की हालत गंभीर है। 117 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मेरी वाइफ की हालत बहुत खराब है। Please, please,
यार सही निकला, ये तो वही वायरस है जिसने नामीबिया में हजारों लोगों की जान ली है। Oh my God. लेकिन इस वायरस का एंटीडोट बन चुका है, फॉरन कार फार्मास्यूटिकल्स को कॉन्टैक्ट करो। कार्ल स्ट्राइकर के साथ जो हुआ उसके बाद क्रिश को आजमाने की जरूरत पड़ सकती है। हमारा वायरस उसे भी आजमा लेगा। इंडियन गवर्नमेंट का रंग हमारे वायरस की वजह से सफेद पड़ चुका है कार्ल। उनका डर बार बार हमारे डीलर्स को कॉन्टेक्ट कर रहा है। कार्ल एंटीडोट का सबसे खास और की कंपोनेंट तैयार है, हमें जल्द से जल्द एंटीडोट बनाना शुरू करना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट को कितना वक्त लगेगा इसे बनाने में? 10 दिन। 10 दिन में तो यह शहर खत्म हो जाएगा। लोग मेरे हाथों में मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं, उनकी चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं पापा, तो फिर मेरे क्रिश होने का क्या मतलब है? सबके बीच रहकर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। प्रिया भी ठीक है क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। मेरे सारे कॉलीग्स पर इस वायरस का असर हो चुका है, मुझे छोड़ के। मतलब ये वायरस हम पर असर नहीं कर पा रहा, शायद हमारे खून में ऐसा कुछ है जो इस वायरस से लड़ रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरे शरीर के अंदर जाकर भी इस वायरस ने असर नहीं किया तो मेरे खून से इस वायरस का एंटीडोट बन सकता है। नहीं पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। कृष्णा, इस वायरस का इलाज ढूंढने का यही एक तरीका है। तो फिर इसे मेरे खून में इंजेक्ट कीजिए। नहीं, इसमें बहुत रिस्क है और इसके लिए एक बार मैं अपने बेटे को खतरे में डाल सकता हूं, लेकिन लोगों की उम्मीद को नहीं। इस वक्त लोगों की उम्मीद सिर्फ आप हैं पापा, कृष्ण ही। आप मुझ पर टेस्ट कीजिए। इसका मतलब तुम्हारे खून से एंटीडोट बन सकता है, अब हम लोगों को बचा सकेंगे। बस कुछ ही घंटों में एंटीडोट रेडी हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे लोगों तक हम दवा पहुंचाएंगे कैसे? ऐसा कैसे हो पाएगा?
प्रॉब्लम। पता नहीं कैसे लेकिन मुंबई में हमारे वायरस का असर खत्म होने लगा है। तुम में से किसी ने मुझे धोखा दिया है, काल को चीट किया है। मैंने कहा था कि 10 दिन से पहले वो एंटीडोट इंडिया नहीं पहुंचना चाहिए, फिर कैसे पहुंचा? किसने पहुंचाया? किसी ने नहीं पहुंचाया काल, क्योंकि हम तो अभी भी एंटीडोट बना रहे हैं। खबर मिली है कि मुंबई के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट ने हमारे वायरस का एंटीडोट बना लिया है। व्हाट व्हाट नॉनसेंस! दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट काल के वायरस का एंटीडोट कैसे बना सकता है? मेरे वायरस का एंटीडोट बन सकता है सिर्फ मेरे डीएनए से, मेरे खून से। तो वो किससे, कैसे, कहां से मिल सकता है? आओ! मेरा खून किसी और की नसों में कैसे बह सकता है? कैसे?